पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का अध्ययन कर रहे हैं, और क्योंकि यह व्याख्यान बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग आप देख चुके होंगे, अब आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए हम देखते हैं अभिव्यंजना सिद्धांत की कुछ अभिव्यंजना सिद्धांत से संबंधित कुछ मान्यताएं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो आप देख लें, तभी इस अवधारणा को समझ पाएंगे, क्योंकि यह लेक्चर बहुत ही लंबा लेक्चर है, 2 घंटे का लगभग। तो मेरा पिछला लेक्चर आप जरूर देखें, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे, उसके बाद आप इसको देखेंगे तब इसे भलीभांति समझ पाएंगे। अभिव्यंजना सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। कोई भी सौंदर्य शास्त्रीय या अन्य सिद्धांत शून्य में स्थित नहीं होता, विचार तथा जीवन व्यवहार के अन्य क्षेत्रों का उस सिद्धांत पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जब कोई भी सिद्धांत कोई भी अवधारणा जन्म लेती है तो हमारे विचारों का और जिंदगी में जो हमारे जीवन व्यवहार है, जो हमारे कार्यकलाप है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, और वह सिद्धांत इन क्षेत्रों से संबंधित सोच को भी प्रभावित करता है। मतलब हमारी जो जिंदगी है उस सिद्धांत या विचारधारा से प्रभावित होती है, और हमारा जो जीवन भी है वह भी उस विचारधारा को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि अभिव्यंजना सिद्धांत के आलोक में विभिन्न विषयों के बारे में क्रोचे की क्या मान्यता है। अभिव्यंजना सिद्धांत को ध्यान में रखकर क्रोचे ने अन्य सब्जेक्ट के बारे में, अन्य विषयों के बारे में क्या सोचा, क्या अवधारणा है, क्या मान्यताएं हैं, वह देखते हैं। मतलब अभिव्यंजना सिद्धांत को ध्यान में रखकर क्रोचे अन्य विषयों के बारे में कैसे चिंतन करते हैं, जैसे सहजानुभूति और कला, इंट्यूशन और आर्ट में क्या संबंध है, सहजानुभूति और कला में क्या संबंध है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, क्रोचे कला को सहजानुभूति से अभिन्न या अटूट मानते हैं। क्रोचे का कहना है कि कला और सहजानुभूति दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही चीज है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आमतौर पर यह माना जाता है कि रचनाकार के मन में पहले अनुभूति जन्म लेती है, इस अनुभूति को विश्लेषित करके संवार कर कलाकृति का रूप दिया जाता है। इस प्रकार अनुभूति वह सामग्री प्रस्तुत करती है जिसकी निष्पत्ति कला के रूप में होती है, किंतु क्रोचे इस क्रम को स्वीकार न करके सहज अनुभूति के स्तर पर ही कला को निष्पन्न मान लेते हैं। मतलब आमतौर पर यह समझा जाता है कि पहले अनुभूति जन्म लेती है, जैसे कोई कवि है कविता लिखना चाहता है तो वह अनुभूति जो परसेप्शन है उसके मन में जन्म लेगी और उसके बाद वह उसे कविता के रूप में लिख लेता है। जैसे कोई जैसे कोई मूर्तिकार है, कोई मूर्ति बनाना चाहता है, पहले उसके दिमाग में मूर्ति का एक बिंब बन जाता है, एक चित्र बन जाता है, फिर उसी के आधार पर वह क्या है, मूर्ति का निर्माण करता है। लेकिन मतलब उसकी जो मूर्त रूप होता है वह कला के रूप में परिलक्षित होता है, परिवर्तित होता है। परंतु क्रोचे का क्या कहना है, वे इस क्रम को स्वीकार नहीं करते। क्रोचे का कहना है कि कला जो है मानसिक स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है, मानसिक स्तर पर ही बिंब बनता है, मानसिक स्तर पर भी कला पूर्ण हो जाती है, यह कहना है। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि सहजानुभूतियों के विश्लेषण समायोजन के लिए तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारी सहजानुभूतियां हैं, जो इंट्यूशंस हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, समायोजन करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, एडजस्टमेंट के लिए तर्क और बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्रोचे के अनुसार तर्क बुद्धि और विश्लेषण की क्षमता अवधारणा के लिए अथवा बाहरी जगत को समझने के लिए जरूरी होती है, कला के लिए नहीं। कला विशुद्ध अनुभूति है, तर्क परक प्रस्तुति नहीं। क्रोचे का कहना है कि किसी कला को समझने के लिए, है ना, कला के सौंदर्य बोध को महसूस करने के लिए किसी प्रकार की तर्क और बुद्धि की जरूरत नहीं होती, विश्लेषण क्षमता की जरूरत नहीं होती। तर्क बुद्धि और विश्लेषण क्षमता की जरूरत किसके लिए होती है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, है ना, बाहरी दुनियादारी की बातों को समझने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। कोई अवधारणा का निर्माण करने के लिए तर्क और बुद्धि की जरूरत होती है, किसी सिद्धांत का निर्माण करने के लिए, कला के लिए नहीं। कला को तो महसूस किया जाता है, कला विशुद्ध अनुभूति है, तर्क परक प्रस्तुति नहीं है। मतलब कला के सौंदर्य बोध को समझने के लिए आपको कोई बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप ताजमहल को देखने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बहुत विद्वान हैं, आपको स्थापत्य का ज्ञान है तभी आप ताजमहल की खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर, मतलब कोई भी चीज आप देखते हैं तो उसके सौंदर्य को महसूस करने के लिए आपको बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। क्रोचे ये सामान्य मान्यता का भी विरोध करते हैं
कि कलाकार सामान्य जन से अधिक संवेदनशील होता है और उसकी अनुभूतियां सामान्य मानव की अनुभूतियों से विशिष्ट होती है। उनके अनुसार कलाकार की सहजानुभूति तथा अन्य जनों के सहजानुभूति के सौंदर्य परक मूल्य में अगर कोई अंतर होता है तो मात्र परिमाण का, उनमें गुण का कोई अंतर नहीं होता है। उनका यह भी मानना है कि जो कलाकार होते हैं वे आम लोगों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वे इसे नहीं मानते। साथ ही उनकी अनुभूतियां आम आदमी की अनुभूतियां से अलग होती हैं। जो बड़े बड़े कलाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं या फिर जो मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, तो इनकी अनुभूति आम जनता से की अनुभूति से अलग नहीं होती, बल्कि क्या होता है, परिमाण बस अलग होता है। कोई बहुत गहराई से जाकर उसको महसूस करता है, कोई उथले रूप में महसूस करता है, बस इतना ही अंतर होता है। जिस प्रकार एक विराट पर्वत के एवं उसके अंश एक छोटे से पत्थर के रासायनिक तत्व समान होते हैं, उसी प्रकार कलानुभूति और सामान्य अनुभूति तत्वतः एक ही होती है। जहां भी कल्पना के योग से संवेदन सहजानुभूति और बिंबों में परिवर्तित हो जाते हैं, वहीं सौंदर्य की सृष्टि हो जाती है, जो कला का मूल तत्व है। इस बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि यह प्रक्रिया कलाकार के मानस में हो रही है या किसी अन्य व्यक्ति के मानस में। हर व्यक्ति चाहे सुशिक्षित, संस्कृत हो या असभ्य या बर्बर हो। उनका कहना है कि जैसे कोई पहाड़ है, अब पूरे पहाड़ में जो कंपोनेंट्स हैं, जो रासायनिक तत्व हैं, उसमें जो रासायनिक तत्व, जिन रासायनिक तत्वों से मिलकर पूरा पहाड़ बना है, या फिर उसमें से एक छोटा सा पत्थर या कंकड़ उठा लेते हैं, तो जो पहाड़ जिन रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, तो उन सारे जितने भी रासायनिक तत्व हैं उसके छोटे से कंकड़ और पत्थर में भी हमको वही सारे रासायनिक तत्व मिल जाते हैं। उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति की अनुभूति या कलानुभूति और एक कलाकार की अनुभूति और कलानुभूति दोनों ही एक जैसी होती है। मतलब जहां भी कल्पना संवेदन के साथ मिल जाती है और सहजानुभूति के माध्यम से बिंबों में परिवर्तित हो जाती है, तो सौंदर्य का निर्माण हो जाता है। तो इससे यह फर्क नहीं पड़ता कि यह पूरी प्रक्रिया किसी कलाकार के मस्तिष्क में हो रही है या किसी साधारण आदमी के दिमाग में यह सारी प्रक्रिया हो रही है। मतलब जो सौंदर्य बोध है या कलाकृति के सौंदर्य को महसूस करने की जहां तक बात है, उसके लिए क्या है, चाहे वह व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, सुशिक्षित हो, चाहे बर्बर हो, असभ्य हो। जैसे आप किसी बगीचे में घूमने आते हैं, फूलों की खूबसूरती को देखते हैं, तो आप ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, तब भी फूल आपको खूबसूरत दिखाई देगा। वैसे ही कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, ग्रामीण है, वो भी अगर उन फूलों को देखता है तो उसे भी उतनी सुंदरता दिखाई देगी, यह उनका मानना है। इस दृष्टि से क्रोचे, होमर या मिल्टन, जो अत्यंत बहुत बड़े बड़े महाकवि हुए अंग्रेजी के, होमर और मिल्टन के महाकाव्यों और अनपढ़ ग्राम्य कवि की तुकबंदी के बीच, या लियोनार्डो दा विंची के भव्य चित्रों और आदिम गुहा मानव के फूटे फूटे रेखांकनों के बीच उनकी सौंदर्य पर गुणवत्ता के आधार पर कोई अंतर नहीं करते। मतलब कोई महान कवि हुए हैं अंग्रेजी के, मिल्टन या होमर, और एक ग्रामीण व्यक्ति अपनी ग्रामीण भाषा में कोई गाना गा रहा है या उसकी कविता है, तो दोनों को बराबर महत्व देते हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं करते। इसी प्रकार एक महान चित्रकार हुए हैं लियोनार्डो दा विंची, चाहे उनका चित्र है, चाहे हमारे प्राचीन गुफा में रहने वाले जो मानव थे, जो भित्ति चित्र बनाते थे, गुफा की दीवारों पर जो चित्र बनाते थे, अब उनकी जो कलाकृतियां हैं, भित्ति चित्र है, ग्राफिटी है, या फिर लियोनार्डो दा विंची ने जो बनाया हुआ चित्र, दोनों को एक जैसा समझते हैं। मतलब सौंदर्य के दृष्टिकोण से दोनों में कोई अंतर नहीं है, यह उनका मानना है। विषय वस्तु के संबंध में उनका क्या कहना है, सब्जेक्ट मैटर के विषय में क्रोचे की क्या, क्रोचे की क्या मत है। क्रोचे यह मानते हैं कि कला की प्रक्रिया अनायास या बिना सोची समझी होती है, है ना। जैसे मैंने पिछले उसमें उदाहरण बताया था कि एक गाना, नायक जो गाता है, नायक के मन में गाना तैयार होता है, कविता, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, 1982 लव स्टोरी जैसा गाना, तो ये अनायास हो जाता है। उसको पता नहीं था कि मैं उस रास्ते से गुजरूंगा और मेरे ऊपर कोई चुनरी गिरेगी और मैं उस नायिका को देखूंगा, फिर मैं, मेरे मन में कविता जन्म लेगी। मतलब अचानक हो गया, अनायास हो गया। अर्थात व्यक्ति सोच समझ कर या चुनाव करके सजग सचेत भाव से कला बिंबों की रचना नहीं करता, बल्कि वे कल्पना के प्रभाव से अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है या विषय का चुनाव कोई कलाकार या कोई कवि सोच समझ कर जानबूझ कर नहीं करता, बल्कि अचानक ही हो जाते हैं बिना कोई प्रयास किए। इसलिए कलाकृति के विषय का चुनाव भी कलाकार के हाथों में नहीं होता। मतलब उसके उसके हाथ में नहीं होता कि मुझे इसी विषय पर कविता लिखनी है, ऐसे ही मूर्ति बनाना है। क्योंकि विषय का चुनाव कलाकार नहीं कर सकता, इसलिए विषय वस्तु के अच्छा या बुरा होने का, सोद्देश या निरुद्देश होने का फैसला भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलाकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अचानक से विषय चयन हो गया, उस पर उसने कविता लिख दिया,
अब विषय वस्तु अच्छा है कि बुरा है उसका जिम्मेदार वो नहीं होता, कलाकार नहीं होता। मतलब कोई वस्तु विषय वस्तु अच्छी है या बुरी है, उसका कोई उद्देश्य है निरुद्देश्य है, इसका फैसला भी नहीं किया जा सकता। जो भी विषय वस्तु भली प्रकार अभिव्यंजित हो जाती है वही श्रेष्ठ हो जाती है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो यदि उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया जाए, भली भांति अभिव्यंजित कर दिया जाए, तो वही विषय वस्तु श्रेष्ठ हो जाती है। विषय वस्तु की उपयुक्तता, उपयुक्त है कि अनुपयुक्त है का प्रश्न इसलिए भी नहीं उठता कि इसके लिए कलाकार से सोच समझ कर सायास मतलब प्रयत्न पूर्वक चयन की अपेक्षा की जाती है। कला सायास नहीं होती। इसके अतिरिक्त कलाकार कोई विषय चुनता है तो उसका चयन सामाजिक नैतिक मूल्य आर्थिक परिप्रेक्ष्य आदि जैसे किसी कला बाह्य तत्व पर ही आधारित होगा, इससे कला की स्वायत्तता बाधित होगी। उनका कहना है कि जो कलाकार होता है कलाकार के लिए विषय वस्तु का जब वह चयन करता है तब वह प्रयत्न पूर्वक नहीं करता, अनायासी कर लेता है, बिना किसी प्रयास के विषय वस्तु का चयन हो जाता है। क्योंकि यदि वह प्रयत्न पूर्वक विषय वस्तु का चयन करेगा तो सामाजिक जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मापदंड है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, उपयोगिता है कि मैं जो कविता लिखने वाला हूं, मैं कुछ मूर्ति बनाने वाला हूं, वह समाज के लिए कितना उपयोगी है, नैतिक दृष्टिकोण से सही है कि नहीं, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से वह सही है कि नहीं, तो इससे क्या होगी, यदि वह यह सब सोचने लगेगा तो जो कला की स्वतंत्रता है, कला की स्वायत्तता है, कवि या कलाकार की जो स्वतंत्रता है वह बाधित होती है। मतलब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, वह इन जीवन मूल्यों से, इन आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों से बंध जाता है। वैसे भी ऐसे निर्णय तभी संभव है जब अभिव्यंजना अभिव्यक्ति बने अर्थात बाह्य जगत में प्रकट हो। वास्तव में आप किसी कलाकृति का मूल्यांकन कब करेंगे, जब वह मूर्त रूप में आप उसे देखेंगे पढ़ेंगे। जैसे कोई कविता को आप पढ़ेंगे तभी तो मूल्यांकन करेंगे। मतलब जब अभिव्यंजना जो मानसिक स्तर पर होती है जब वह अभिव्यक्ति बन जाए, जब वह मूर्त रूप ले ले, तो अभिव्यंजना जो होती है वह अमूर्त होती है जो मानसिक स्तर पर होती है, लेकिन जब वह मूर्त रूप ले लेती है तब वह अभिव्यक्ति बन जाती है, बाह्य जगत में प्रकट हो जाती है। और जब बाह्य जगत में प्रकट होती है तब उसकी समीक्षा होने लगती है, उसका मूल्यांकन होने लगता है। और अभिव्यक्त होने पर भी कलाकृति को श्रेष्ठ या हीन नहीं ठहराया जा सकता, न उसकी प्रकृति के लिए कलाकार को ही उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि रचना के विषय या रूप का निर्माण उसके हाथ में है ही नहीं, रूप का निर्धारण उसके हाथ में है ही नहीं। कृति की श्रेष्ठता का अगर निर्णय हो सकता है तो इसी आधार पर कि उसकी अभिव्यंजना स्पष्ट है कि नहीं। इसके बावजूद भी हम किसी कृति को श्रेष्ठ या फिर हीन नहीं कह सकते और न ही उसके लिए हम कलाकार को जिम्मेदार ठहरा सकते, क्योंकि वह बिना किसी प्रयास के विषय वस्तु का चयन करता है। मतलब विषय वस्तु का चयन करना या उसकी प्रकृति या रूप का निर्धारण करना कलाकार के हाथ में नहीं होते, इसलिए उसके अच्छे होने या बुरा होने के लिए हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन यदि हमको कृति की श्रेष्ठता का निर्णय करना हो तो कैसे करेंगे कि उसकी अभिव्यंजना स्पष्ट है कि नहीं, मतलब जो उसकी अभिव्यंजना है, एक्सप्रेशन है, वह बिल्कुल सही ढंग से हुई है कि नहीं हुई है। अभिव्यंजना की अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यंजना को हम और छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं कर सकते, उसको हमको समग्र रूप में देखना होता है, इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। अखंडता, अखंड है जिसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्रोचे के अनुसार जिसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता वह अखंड होता है। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना एक्सप्रेशन को विभिन्न खंडों या पक्षों में बांटकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह एक संपूर्ण संश्लिष्ट अखंड इकाई है। इसको आप आगे समझते हैं, मतलब अभिव्यंजना जो होती है अखंड होती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कविता को भाषा, भाव, बिंब विधान, अलंकार आदि में बांटकर देखना, या चित्र को पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, अग्रभूमि मतलब फोरग्राउंड मतलब किस पर आधारित है, रंग, आकृतियों आदि के दृष्टि से विश्लेषित करके देखना कलाकृति के रूप में उसकी समग्रता को खंडित कर देता है। कला इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई होती है। उनका कहना है यदि किसी कविता को कविता का रसास्वादन करना चाहते हैं तब केवल उस कविता को पढ़िए, उसकी खूबसूरती को महसूस करिए। अब ये मत देखिए कि किस प्रकार की भाषा है, संस्कृत में खड़ी बोली है, किस प्रकार का भाव है, बिंब विधान कैसा है, इमेज मेकिंग, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मतलब उसी इस टाइप के विश्लेषण मत करिए, छोटे छोटे खंडों में मत बांटिए, भाषा में, कला पक्ष में, भाव पक्ष में मत बांटिए। इसी प्रकार कोई चित्र आप देख रहे हैं तो चित्र को समग्रता से देखिए, आप अलग अलग हिस्सों को अलग अलग करके मत देखिए।
तभी आप उसको भली भांति समझ पाएंगे। वैसे भी इस प्रकार का विश्लेषण तभी हो सकता है जब कला बाह्य जगत में अभिव्यक्त हो। वास्तव में तो कला मन में सहजानुभूति अर्थात इंट्यूशन के स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है। वह सहजानुभूति खंडों में बटी हुई नहीं बल्कि मन में एक समग्र प्रभाव के रूप में भी में ही उभरती है। अच्छा, उनका कहना यह है कि किसी कृति का आप विश्लेषण तभी तो कर पाएंगे जब वह मूर्त जगत में अभिव्यक्त हो, जब उसको अभिव्यक्त कर दिया जाए, उसको अभिव्यक्ति प्रदान कर दिया जाए, मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाए, तभी आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन क्रोचे का क्या मानना है? जो अभिव्यंजना होती है वह मानसिक स्तर पर होती है, और अभिव्यंजना कब पद उत्पन्न होती है? जब हमारे मन में समग्र प्रभाव पद मतलब जो सहजानुभूति है वो अपने आप में कंप्लीट होती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। मतलब एक कंप्लीट इफेक्ट होता है। जैसा नायक ने नायिका को देखा, उसके सौंदर्य से अभिभूत हुआ, उसने कविता की रचना की, तो सो कंप्लीटनेस में उसने देखा, अर्थात उसकी जो इमेज है, नायिका की जो इमेज है, उसके मन में एक कंप्लीटनेस का भाव जगाती है, तो समग्र प्रभाव के रूप में उभरता है। अब क्रोचे की अभिव्यंजना पद्धति अभिव्यंजनावादी समीक्षा पद्धति का सार इस प्रकार है। तो क्रोचे की अभिव्यंजनावादी समीक्षा पद्धति मतलब अभिव्यंजनावाद के आधार पर, अभिव्यंजना सिद्धांत के आधार पर किसी कृति की समीक्षा करना। कैसे करेंगे देखते हैं। आइए, कृति चूंकि एक संश्लिष्ट समग्र इकाई होती है, कंप्लीट यूनिट होती है, यूनिटी, अतः समीक्षा को इसे समग्र रूप में देखना परखना चाहिए, उसका विश्लेषण करके नहीं। विश्लेषण करने से सौंदर्य अनुभूति खंडित हो जाती है। मतलब किसी कृति का विवेचन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, उसका जो कंप्लीट समग्र प्रभाव है उसका विवेचन और विवेचना करनी चाहिए। उस कृति को छोटे 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 हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए। रस, छंद, अलंकार, भाषा, है ना, भाव पक्ष, कला पक्ष, इन सारी चीजों में बिंब विधान, प्रतीक विधान, इनमें मत बांटे, कंप्लीट रूप में देखें, अन्यथा उसकी सौंदर्य अनुभूति जो है खंडित हो जाती है। कला को सहजानुभूति से अभिन्न, अभिन्न मतलब जो उससे अलग नहीं है, कला और सहजानुभूति दोनों एक ही चीज है मानते हुए क्रोचे ने उसमें सहजता के गुण को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, और उसमें भाषा तथा भाव के आडंबर, अलंकार, बोझिलता आदि का विरोध किया है। मतलब कला और सहजान, क्रोचे का कहना है कि कला और सहजानुभूति दोनों ही एक ही चीज है, और दोनों को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। मतलब उसमें भाषा बहुत ही सरल सहज होनी चाहिए, और जो उसमें भाव व्यक्त किया गया है वह भी आडंबर रहित होना चाहिए। मतलब बड़े बड़े उल्टा मतलब कठिन शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और अलंकार से बोझिल नहीं किया जाना चाहिए। भाषा को भी उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और इस बात पर बल दिया है कि भाषा निरंतर गतिशील रहती है। मतलब भाषा जन्म लेती है, भाषा यात्रा करती है ना, भाषा गतिशील होती है, जीवंत होती है, इसके शब्दों, प्रतीकों आदि के आशय बदलते रहते हैं, और समीक्षक को इस गतिशीलता के प्रति सचेत रहना चाहिए। स्वयं उसके अपने भाषा प्रयोग भी सजग और संप्रेषणीय होना चाहिए। भाषा गतिशील होती है मतलब भाषा यात्रा करती है, भाषा बदलती भी रहती है। जैसे पहले तट के किनारे रहने वाले लोगों को बोला जाता था तटस्थ, लेकिन अब तटस्थ का मतलब क्या है? किसी चीज से उदासीन रहना, उसे मतलब नहीं रखना, तो यह तटस्थ हो गया। तो तटस्थ का जो है वह उसका अर्थ बदल गया। वैसे कुशाग्र शब्द है, कुशाग्र मतलब कुश का सामने का हिस्सा जो बहुत नुकीला होता है, तो कुशाग्र कुश के नुकीला हिस्सा जो कुशाग्र बोला जाता था उसको, लेकिन आजकल कुशाग्र मतलब होता है जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। तो ऐसे जो शब्दों और प्रतीकों के आशय और अर्थ बदलते रहते हैं, उससे समीक्षक को उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, और उसकी स्वयं की भाषा भी सहज, सरल और संप्रेषणीय होनी चाहिए। संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेट कर सके, जो भावों को वहन कर सके, और जो शब्दों के आशय को, अर्थ को पाठकों तक पहुंचा सके, ऐसी उसकी भाषा होनी चाहिए। कृतिकार की भांति समीक्षा को भी वागाडंबर तथा शास्त्रीय तामझाम से बचना चाहिए। तो न केवल कवि या लेखक को, न केवल कलाकार को, बल्कि समीक्षा को, आलोचक को भी बड़े बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और शास्त्रीय तामझाम से बचना चाहिए। जैसे संस्कृत के बहुत ही कठिन शब्दों को आपने प्रयोग कर दिया, या अपनी विद्वता बताने के लिए बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग आपने अपनी आलोचना में कर दिया, इससे बचना चाहिए। कवि और लेखक और आलोचक सबको ऐसे कठिन और शास्त्रीय शब्दों से बचना चाहिए, तामझाम से बचना चाहिए। अब हम इनका मूल्यांकन करते हैं, अभिव्यंजना सिद्धांत का हम मूल्यांकन करते हैं, क्या क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है, क्या कमी है। सबसे पहले देखते हैं अभिव्यंजना सिद्धांत का नकारात्मक पक्ष।
नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। अभिव्यंजना सिद्धांत की सबसे अधिक आलोचना उसकी घोर आत्मपरकता तथा इससे जुड़ी हुई स्थापनाओं के कारण हुई है। घोर आत्मपरकता मतलब जो साहित्य है, जो कविता है, जो मूर्ति है, वह साकार रूप में नहीं है, वह केवल मन से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, आत्मपरक है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई। क्योंकि जब तक कोई कलाकृति या कोई कविता मूर्त रूप नहीं ले लेती, भौतिक जगत में नहीं आती, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, तो यह आत्मपरक है। सबसे पहले सवाल उठता है रचना के उद्देश्य को लेकर। पाश्चात्य परंपरा में काव्य रचना के दो प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं, उपदेश और मनोरंजन। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर में किसी भी रचना के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो उपदेश देना है, उसके द्वारा समाज को कोई उपदेश दिया जाए, और दूसरा समाज का मनोरंजन किया जाए। अभिव्यंजनावाद में रचना का समाज तक पहुंचना अनिवार्य है ही नहीं। यदि रचनाकार केवल स्वतः सुख रचना करता है तो समाज से उसका या रचना का क्या कोई संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं होता या होना चाहिए? इस प्रश्न को छोड़ भी दिया जाए तो अगला प्रश्न तो रह ही जाता है कि पाठक या भावक उस रचना का रस कैसे ग्रहण कर सकता है और समालोचक उस रचना तक कैसे पहुंच सकता है। मतलब अभिव्यंजनावाद में यह जरूरी नहीं है कि कोई रचना या कलाकृति मूर्त रूप ले, और जब तक कोई कलाकृति या कोई रचना मूर्त रूप नहीं ले लेती, जब तक कोई कविता लिखी नहीं जाती, केवल वह कवि के मन में यदि कोई कविता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वह अच्छा है कि नहीं, या जो आम पाठक है वह उस कविता का रसास्वादन कैसे कर सकता है, यह उनका कहना है। और कोई आलोचक है, यदि उस कविता की आलोचना करना चाहता है तो उस कविता की आलोचना कैसे करेगा जो लिखी ही नहीं गई, तो इस पर भी इसकी आलोचना होती है। अभिव्यंजना सिद्धांत में जो कलाकृति है, जो रचना है, वह केवल कवि या रचनाकार के मन में ही होती है, वह मूर्त रूप नहीं लेती, लिखी नहीं जाती, इसलिए कोई आम आदमी है उसको पढ़ के उसका रसास्वादन नहीं कर सकता, और जो आलोचक है उसकी आलोचना नहीं कर सकता, उस रचना तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वह दिमाग में है। इसके बाद दूसरा, यदि क्रोचे पाठक और समालोचक तक रचना का पहुंचना जरूरी नहीं मानते तो वे रचना और समाज के संबंध को पूरी तरह नकार रहे हैं। इस संबंध का इस सीमा तक नकार कलावाद में भी नहीं किया गया है। तो यह है कि जब कोई रचना क्रोचे और पाठक या समालोचक तक जब कोई रचना नहीं पहुंच रही है, कोई भी रचना या कलाकृति या कविता पाठक या आलोचक तक नहीं पहुंच रही है, मतलब वह समाज तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि कला और समाज का कोई संबंध नहीं है। ये कला और रचना और समाज के संबंध का पूरी तरह नकार रहे हैं। मतलब कलावाद में भी कला को महत्व दिया गया था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिया गया था जितना क्रोचे ने दिया, मानसिक स्तर पर कला का निर्माण। इसके अतिरिक्त कला को अपनी पहचान समाज में मिलती है, अर्थात बाह्य जगत में अभिव्यक्त होने पर ही उसे सौंदर्य वस्तु, काव्य, चित्र, मूर्ति आदि के रूप में पहचाना जाता है। मतलब कोई कविता जब मूर्त रूप ले लेती है, जब वो समाज में पहुंच जाती है, तभी हमको पता चलता है कि यह कविता है, कि यह चित्र है, कि मूर्ति है। और जब यह मूर्त रूप ले लेती है तभी हम उसका रसास्वादन कर सकते हैं, उसके सौंदर्य बोध का हमें पता चलता है। यदि वह अभिव्यक्त ही नहीं होगी तो उसे पहचानेगा कि कौन पहचानेगा कि वह है भी या नहीं। समाज ही एक विशिष्ट कृति को कला का नाम देता है, यदि वह रचनाकार के मन में ही रह गई तो उसे पहचाना कैसे जाएगा, और उसे अन्य विचारों तथा अनुभूतियों से अलग कैसे किया जाएगा। मतलब कोई कविता यदि कवि के मन में ही है, उसे लिखी नहीं गई, वह समाज तक नहीं पहुंची वह कविता, तो कौन जान पाएगा कि कवि के मन में क्या है। जब कवि समाज में जब कविता को लिख देता है कवि, और समाज के लोग जो पाठक हैं उसको पढ़ते हैं, तभी तो उनको पता चलता है कि कविता का स्तर क्या है, है ना, कि यह कविता है, कि यह मूर्ति है, कि यह चित्र है, और उसे अन्य विचारों और अनुभूतियों से हम जोड़कर फिर उसका आलोचना करते हैं, तो यह सब मुमकिन नहीं है। चौथा, इस दृष्टि से क्रोचे होमर या मिल्टन के महाकाव्यों और अनपढ़ ग्राम्य कवि की तुकबंदी के बीच, या लियोनार्डो दा विंची के भव्य चित्रों और आदिम गुहा मानव के टूटे फूटे रेखांकनों के बीच उनकी सौंदर्य पर गुणवत्ता के आधार पर कोई अंतर नहीं करते। तो इस आधार पर क्या होता है, क्रोचे होमर या मिल्टन जैसे महाकवि हैं उनकी कविता है, और एक ग्रामीण व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तुकबंदी करता है, उसकी कविता और उनकी कविता में कोई अंतर नहीं महसूस करते। वैसे लियोनार्डो दा विंची के जो चित्र हैं और हमारे जो प्राचीन गुहा मानव हैं, आदिम मानव है, जो गुफा की दीवारों पर जो चित्र बनाते थे, उनमें कोई अंतर नहीं है, उनकी सौंदर्य परक गुणवत्ता के आधार पर उनमें कोई अंतर उन्हें महसूस नहीं होता। पांचवा, कला यदि इस प्रकार बिल्कुल ही समाज निरपेक्ष हो जाती है, मतलब कला को समाज से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का अनुशासन नहीं रह जाता। अब दिमाग में है वो कला,
किसी भी क्षेत्र में अनुशासनहीनता आगे चलकर अराजकता को जन्म देती है। साथ ही अभिव्यंजनावाद में कला को जिस प्रकार समाज से बिल्कुल तटस्थ माना गया है, मतलब अभिव्यंजनावाद में कला और समाज का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, वह दृष्टि अनियंत्रित रहने पर समाज विमुखता और समाज विरोधिता में भी बदल सकती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते कलाकार समाज से पूरी तरह विमुख नहीं रह सकता। मतलब यदि उसके अवचेतन मन में इस तरह की बातें बहुत सारी भर जाए, है ना, तो हो सकता है कि वह समाज के लिए अनुपयोगी नहीं बल्कि हानिकारक भी हो जाए कोई व्यक्ति, कोई कवि। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या है, उसकी जो कविता है या उसकी रचना है उसका मूर्त रूप लेना जरूरी है। और कोई भी कवि या कलाकार समाज में रहता है, इसलिए समाज से वह पूरी तरह विमुख नहीं हो सकता, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ये सारी कमियां हैं। क्रोचे ने सौंदर्य शास्त्र की चर्चा में समीक्षा कर्म पर भी विचार किया है, आलोचना पर भी विचार किया है, किंतु किसी कृति की समीक्षा तभी संभव होती है जब वह बाह्य जगत में अभिव्यक्त हो। कोई कृति जब मूर्त रूप ले लेती है तभी उसकी समीक्षा हो सकती है। ऐसी अभिव्यक्ति को क्रोचे कलाकृति से अतिरिक्त और प्रासंगिक मात्र मानते हैं। मतलब ये बोलते हैं, लेकिन क्रोचे का कहना क्या है कि किसी भी कलाकृति को मूर्त रूप लेने की आवश्यकता नहीं है, और यदि उसे मूर्त रूप दिया भी जाता है तो अनावश्यक है, अवांछनीय है, प्रासंगिक मात्र है। ऐसी स्थिति में उस कृति की समीक्षा कला की समीक्षा कैसे कहला सकती है? दूसरे शब्दों में समीक्षा कर्म की चर्चा करते हुए क्रोचे प्रकारांतर से उसे सौंदर्य शास्त्र का एक महत्वहीन और अनावश्यक प्रसंग मात्र मानते हैं। क्रोचे यह मानते हैं कि किसी भी कलाकृति को मूर्त रूप देना जरूरी नहीं है, यह बेकार का काम है। और वैसे उससे भी ज्यादा बेकार का काम है, वह मूर्त रूप भी दे दिया गया और उसकी समीक्षा भी की गई, तो आलोचना को भी वे आवश्यक नहीं मानते। आलोचक को भी वह सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से वे बोलते हैं कि आलोचना बहुत ही महत्वहीन है, अनावश्यक है, आलोचना को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सातवां, क्रोचे जब कला को केवल मानसिक सहजानुभूति के स्तर पर सिद्ध मान लेते हैं तो कला के विविध विधाओं की पहचान कैसे बनेगी? हो सकता है कृतिकार के मन में शब्दों के बिंब बने जो कविता का क्षेत्र है, या रंग और रेखाओं के बिंब बने जो चित्रकला का क्षेत्र है। मतलब कला की जो अलग अलग विधाएं होती हैं, चित्रकला होती है, कविता लेखन होता है ना, उसके बाद मूर्ति कला होती है, ये कला की अलग अलग विधाएं। लेकिन जो रचनाकार के मन में, कृतिकार के मन में केवल इमेज बन रहा है मानसिक स्तर पर, और वह मूर्त रूप नहीं ले रहा है, तो यदि वह मूर्त रूप नहीं लेता तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसने, उसके दिमाग में जो कविता है, कि वह मूर्ति बनाना चाह रहा था, कि वह कविता लिखना चाह रहा था, कि वह चित्र बनाना चाह रहा था, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? उसके दिमाग में जो सहजानुभूति अभिव्यंजना हुई है तो हमको पता नहीं चलता कि वह किस क्षेत्र, किस विधा से संबंधित है। किंतु जब तक यह सहजानुभूति बाह्य जगत में कविता या चित्र के रूप में व्यक्त नहीं होती, तब तक उसे विशिष्ट कला रूप में कैसे पहचाना जाएगा? अर्थात क्रोचे जगत में विभिन्न कला विधाओं के अंतर को ही नहीं, उनके अस्तित्व को भी एक प्रकार से नकार देते हैं। तो क्रोचे का कहना क्या है, जो हमारे मूर्तमान, जो हमारे हमारे सांसारिक जो दुनिया है उसमें कला के विभिन्न विधाएं होती हैं, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, तो इनके जो अस्तित्व को ही वे नकार देते हैं। ठीक, कला की अलग अलग विधाएं हो ही नहीं सकती, क्रोचे के अनुसार कला की कोई विधा हो नहीं सकती, इनके अस्तित्व को वो नकार देते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि चित्रकला अलग चीज है, मूर्तिकला अलग चीज है, संगीत अलग चीज है। अठवा, क्रोचे के सिद्धांत को समझने में एक बड़ी बात यह रही है कि उन्होंने अनेक बहुप्रचलित शब्दों को अपनी तरह से मनमाने अर्थ दे दिए। मतलब शब्दों की डिक्शनरी मीनिंग अलग है और क्रोचे ने अपना अलग से मीनिंग दे दिया, शब्दकोश के आधार पर उनका मीनिंग अलग है, इन्होंने अपना मीनिंग दे दिया है। इन्होंने अनेक बहुत प्रचलित शब्दों को अपने तरफ से मनमाने अर्थ दे दिए हैं। जब तक यह पता ना हो कि शब्द विशेष से उनका आशय क्या है, तब तक उनकी बात को समझना भी बहुत मुश्किल है। मतलब जब तक वे स्वयं न बता दें कि उनके इस शब्द का अर्थ क्या है, उसको समझना बहुत कठिन है। पीछे हम देख चुके हैं कि वे अभिव्यंजना, मतलब एक्सप्रेशन का प्रयोग बाह्य जगत में अनुभूति की अभिव्यक्ति वाले सामान्य अर्थ में न करके मानसिक स्तर पर बिंब निर्माण के अर्थ में करते हैं। मतलब उनके हिसाब से अभिव्यंजना का अर्थ क्या है, दिमाग में कोई इमेज बनना, कोई बिंब बनना, मानसिक स्तर पर किसी इमेज का निर्माण होना, किसी बिंब का निर्माण होना, इसे वे अभिव्यंजना कहते हैं। जबकि आम जिंदगी में क्या होता है, अभिव्यंजना मतलब होता है मूर्त रूप लेना, है ना, जगत में अनुभूति होना उसका। तो अभिव्यंजना का मतलब अभिव्यक्ति होता है, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, मूर्त रूप देना, लेकिन इनका कहना है मानसिक स्तर पर उसका निर्माण होता है। नवा, किसी भी कलाकृति भी उनके लिए कोई मूर्त वस्तु नहीं है, मतलब कोई भी कलाकृति, इसी प्रकार कलाकृति भी उनके लिए कोई मूर्त वस्तु नहीं, बल्कि ऐसी वस्तु की मानसिक परिकल्पना भर है।
मतलब कलाकृति क्या है, उनके लिए कोई मूर्त वस्तु नहीं है जो हमको दिखाई देती है, जिसको हम छूकर देखकर महसूस कर सकते हैं। यह केवल एक मानसिक परिकल्पना है, इमेजिनेशन है। वह सहजानुभूति, अभिव्यंजना, कला, सौंदर्य, सृष्टि सभी को अभिन्न मानते हुए इन शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, और वह अर्थ है मानसिक स्तर पर बिंबों का निर्माण। मतलब हमारे मन में जो चित्र बनते हैं, मन में जो बिंब बनते हैं, जो इमेज बनते हैं, उनके अनुसार से यही इमेज, यही बिंब सहजानुभूति भी है, अभिव्यंजना भी है, कला भी है, सौंदर्य सृष्टि भी है, ये सारी चीजें एक चीज है, वह मानसिक स्तर पर होता है। हम जानते हैं कि सामान्य भाषा व्यवहार में ये शब्द बिल्कुल अलग अलग अर्थ देते हैं। मतलब हमारी आम जिंदगी में या फिर डिक्शनरी के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। दसवां, ये सारी कमियां हैं इनके अभिव्यंजना सिद्धांत की। इन बातों के अतिरिक्त क्रोचे की अवधारणाओं की अतिरिक्त अमूर्तता भी उन्हें समझने की राह में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब क्रोचे की जो अवधारणा है अभिव्यंजनावाद की, वह पूरी तरह से अमूर्त है। अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई नहीं देती, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, यह अमूर्त है, मानसिक संकल्पना है, केवल मन से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। यह भी इसको समझने में हमें बाधा उत्पन्न करती है, ये इनकी कमियां हैं। अब खाली कमियां ही नहीं है, अभिव्यंजना सिद्धांत का महत्व क्या है हम आगे देखते हैं। अभिव्यंजना सिद्धांत का सकारात्मक पक्ष, यह उसका दूसरा पहलू है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय विवेचन, मतलब किसी सुंदरता का उद्घाटन करना, किसी कृति की सौंदर्य बोध का उद्घाटन करना, तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय विवेचन में क्रोचे के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह सही है कि उनके मत को व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके समकालीन मतलब कंटेम्प्ररी उनके समय में तथा परवर्ती विचारधाराओं, बाद में जिन विचारधाराओं ने जन्म लिया क्रोचे के बाद, उन पर उनकी मान्यताओं का यथेष्ट प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका दृष्टिकोण भले ही एकांगी था, केवल वह मानसिक परिकल्पना पर आधारित था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कारण उनके मत को व्यापक स्वीकृति भले ही प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उनके समकालीन जो अन्य विचारक थे या फिर उनके बाद में जिन विचारधाराओं ने जन्म लिया, उस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। क्रोचे ने अनेक टिप्पणियों, लेखों तथा पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को वाड़ी दी थी, और उनके लेखन पर सौंदर्य शास्त्रियों तथा साहित्य शास्त्रियों ने बड़े विस्तार से विचार विमर्श भी किया। मतलब क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया गया, सौंदर्य शास्त्रियों, चाहे सौंदर्य शास्त्री हो, चाहे साहित्य शास्त्री हो, चाहे लिटरेरी आर्टिस्ट हो, चाहे एस्थेटिक्स हो। एक यही तथ्य क्रोचे के मत के महत्व को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब उस समय जितने भी विद्वान हुए थे, जितनी भी विचारधाराएं थी, उन पर उनका प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद अत्यंत महत्वपूर्ण था, आज भी है। नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म या न्यू क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, जैसे आंदोलन क्रोचे के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। एक और समीक्षा का, समीक्षा की एक नई प्रणाली है, नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म या फिर न्यू क्रिटिसिज्म, इस पर भी इनके विचार का प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कई महत्वपूर्ण रचनाकारों, कलाकारों पर भी क्रोचे की विचारधारा की छाप दिखाई देती है। मतलब बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं, कलाकार हैं, जिन पर क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। आइए हम देखें कि साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में क्रोचे की मान्यताएं किस रूप में उपयोगी सिद्ध हुई हैं, कितनी उपयोगी हैं देखते हैं। पहला, सबसे पहली बात वही है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, आत्मपरक दृष्टि। मतलब आत्मा से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित दृष्टि पर अतिरिक्त बल देकर क्रोचे साहित्य और कला को घोर वस्तुपरकता के घेरे से निकालने में बड़ी सीमा तक सफल हुए। वस्तुपरकता मतलब भौतिकवाद, भौतिक संसार से संबंधित, मतलब जो भौतिकता को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, भौतिकतावादी जो विचारधारा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, तो इससे कविता को बाहर निकालने में, कला को बाहर निकालने में सफल हुए। कम से कम वे उस दृष्टि की एकांगिता को तो सफलतापूर्वक रेखांकित कर सके जो साहित्य तथा कला को पूरी तरह सौंदर्य शास्त्र से इतर कसौटियों पर परखने लगी थी। मतलब इनके समय में जैसे कोई कविता है, अब कविता को अलग अलग विचारधारा के आधार पर उसका आलोचना किया जा रहा है। अब मार्क्सवाद के आधार पर आप किसी कविता की आलोचना कर रहे हैं, कोई और विचारधारा है, फ्रायड का जो है, फ्रायड का मनोविज्ञान है, मनोविश्लेषणवाद है, उसके आधार पर आप कविता की आलोचना कर रहे हैं, है ना, अर्थशास्त्र के आधार पर आप कविता की आलोचना कर रहे हैं, तो मतलब वास्तव में जो कविता की आलोचना होनी चाहिए वह सौंदर्य शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए, उसकी वही कसौटी होनी चाहिए। दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, अर्थशास्त्र अलग हो गया, मनोविज्ञान अलग हो गया, इसके आधार पर किसी कलाकृति या किसी कविता की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। किसी कविता की समीक्षा कैसे की जानी चाहिए, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।
किसी भी साहित्यिक कृति की जांच उसकी सामाजिक उपयोगिता या ऐसे ही अन्य प्रतिमानों से होने लगी थी। उस समय यह देखा जाता था कि कोई साहित्यिक कृति है समाज के लिए कितनी उपयोगी है, तो वास्तव में किसी कलाकृति की सामाजिक उपयोगिता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि सौंदर्य बोध के आधार पर होना चाहिए, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से होना चाहिए। जहां साहित्यिक प्रतिमान मतलब मापदंड अपनाए जाते थे, वहां भी पूरी तरह वस्तुपरक रूढ़ और शास्त्रीय प्रतिमान थे। कविता या किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने के लिए जो मापदंड बनाए गए थे वे पूरी तरह से वस्तुपरक थे, भौतिकतावादी थे, रूढ़ थे, रूढ़िवादी विचारधारा के आधार पर थे, शास्त्रीय प्रतिमान थे। शास्त्रीय प्रतिमान मतलब पुराने हमारे शास्त्र में जो चीजें लिखी गई हैं, जो हमारे पौराणिक कवि वगैरह हुए हैं उनके आधार पर समीक्षा की जा रही थी। उनमें कलाकार की अपनी मौलिकता, संवेदनशीलता और कृति की सूक्ष्मता तथा सांकेतिकता के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी, क्योंकि ये मूल्य आत्मपरक थे। मतलब भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ही, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ही, वस्तुपरक दृष्टिकोण से ही किसी कलाकृति की समीक्षा की जा रही थी, लेकिन वास्तव में उस कृति की कलाकार की मौलिकता क्या है, कितना मौलिक है, कितना संवेदनशील है, कितना इमोशन है उसमें, ऐसी बातों के लिए कोई गुंजाइश वहां पर नहीं थी, क्योंकि ये सारे मूल्य जो थे आत्मपरक थे, आत्मा से संबंधित थे, तो इनकी कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा, इन कारणों से साहित्य के सौंदर्य परक मूल्य उपेक्षित हो गए थे। बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर ले जाने के सहारे से ही क्रोचे ने साहित्य और कला को इस अतिवाद से उभारा। उन्होंने बाह्य तथ्यों की तुलना में कृति की केंद्रिकता पर बल दिया। तो क्रोचे का यह कहना था कि किसी कृति की विवेचना या आलोचना सौंदर्य परक दृष्टिकोण से होना चाहिए, तो इसलिए उन सब चीजों का उन्होंने बाह्य तथ्यों की तुलना में, भौतिकतावादी तुलना उसके तुलना में कृति की केंद्रिता पर बल दिया, मतलब कृति को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। मतलब कृति महत्वपूर्ण है, कृति कितनी उपयोगी है यह मत देखिए, कृति की जो आलोचना है सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसकी आलोचना करी। क्रोचे के समय में समीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी, जिससे कृति का समग्र सौंदर्य उपेक्षित रह जाता था। जैसे किसी कविता की समीक्षा करनी है तो उसमें कैसे समीक्षा की जाती थी, उसका विश्लेषण किया जाता था, भाषा शैली कैसी है, है ना, भाषा और उसके बाद छंद, रस, छंद, अलंकार, छोटे छोटे भागों में बांटकर विश्लेषण किया जाता था। इससे कृति का जो समग्र सौंदर्य था वह क्या है, उपेक्षित रह जाता था। क्रोचे ने एक सौंदर्य वस्तु के रूप में कृति की समग्रता और संश्लिष्टता के महत्व को रेखांकित किया। तो उनका कहना है कि किसी कविता की आलोचना करते समय आप उसको सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसकी आलोचना करिए और उसे समग्र हिस्से के रूप में देखिए, अखंड रूप में देखिए, छोटे छोटे चीजों में मत विभाजित करिए। भाषा शैली क्या है, भाव पक्ष क्या है, कला पक्ष क्या है, रस का किन रसों का प्रयोग हुआ है, छंद, अलंकार, फिर छोटे छोटे खंडों में मत बांटिए उसको, उसका समग्र रूप से देखिए। चौथा, जब कृति की आत्मा की उपेक्षा होने लगती है तो उसमें बाहरी तकनीकों तथा अलंकरण को अतिरिक्त महत्व मिलने लगता है। ऐसा ही हो रहा था, कृति की आत्मा उपेक्षित थी, अलंकरण, अलंकार, रस, छंद को महत्व दिया जा रहा था, तकनीक को महत्व दिया जा रहा था। क्रोचे ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि यह सब अनावश्यक तामझाम है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, उसको सहज और सरल होना चाहिए। कृति की अंतर्वस्तु ही वह आत्मा है जिसकी पहचान जरूरी होती है। अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट, उसके अंदर की जो चीज है, किसी कृति की जो अंदर की चीज है, जो उसकी आत्मा है, उसे उसकी पहचान करना जरूरी है। बाहरी साज श्रृंगार उस आत्मा को व्यक्त करने के माध्यम मात्र होते हैं और उन्हें इतना भारी नहीं होना चाहिए कि किसी कृति का कथ्य उनके नीचे दबकर दम तोड़ दे। मतलब ठीक है, उसमें साज श्रृंगार थोड़ा बहुत करेंगे तो उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र होता है, परंतु उसे इतना भारी भी नहीं होना चाहिए कि किसी कृति का कथ्य उनके नीचे दबकर दम तोड़ दे। जैसे जो कोई दुल्हन है, दुल्हन वास्तव में खूबसूरत है, लेकिन अब उसको अनावश्यक रूप से आप ब्यूटी पार्लर में ले जाकर बहुत ज्यादा सजा देते हैं उसको, तो उसकी जो सुंदरता है, जो वास्तविक जो खूबसूरती है, जो नैसर्गिक सुंदरता है किसी दुल्हन की, वह समाप्त हो जाती है। मतलब मेकअप करिए, थोड़ा बहुत करिए, जिससे उसकी नैसर्गिक सुंदरता थोड़ी सी बढ़े, है ना, थोड़ा और अच्छी दिखाई देने लगे, लेकिन इतना ज्यादा मत सजा दीजिए कि शादी के बाद अगले दिन जब वो नहा धोकर बाहर आती है तो पहचान में ना आए कि अरे ये लड़की तो कल बिल्कुल अलग ही दिख रही थी, आज बिल्कुल अलग ही दिख रही। तो यह कहना है उनका, जैसा प्रायः होता है हमारे समाज में, आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण बस है, इसको कोई अगर लड़कियां या महिलाएं देख रही हैं तो अदरवाइज मत लीजिए, मतलब यह समझाने के लिए, इस सिद्धांत को मैं चाहता हूँ आप भली भांति समझ सके, तो उदाहरणों के माध्यम से ही आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं, तो इसको आपको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप में लेने की जरूरत नहीं है। पांचवा, क्योंकि आप साहित्य के छात्र हैं
या फिर साहित्य के अध्यापक हैं, तो आपको इन सब चीजों को बिल्कुल खुले दिल से आपको समझने और महसूस करने की आवश्यकता है ना। जो भी चीजें हैं उनको आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए जो बिल्कुल खुला होना चाहिए, जो चीजों को जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार करने की आपको क्षमता होनी चाहिए, सामाजिक सच्चाई को। पांचवा, रचना तथा आलोचना की भाषा की जीवंतता तथा गतिशीलता की ओर ध्यान आकर्षित करके क्रोचे ने भाषा को रूढ़िमुक्त करने के साथ ही उसकी शक्ति तथा संभावना को भी उजागर किया। मतलब उनका मानना था कि जो रचना है, जो कलाकार है, उसकी भाषा सहज और सरल होना चाहिए। रचना की भाषा हो चाहे आलोचना की भाषा हो, वह बहुत ही सहज, सरल, जीवंत और गतिशील होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार जो भाषा में जो रूढ़ी थी, जो बिल्कुल संस्कृत नहीं, जैसे खड़ी बोली का ही प्रयोग करना है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का ही प्रयोग करना है आपको, तो क्या है, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, आप सहज और सरल भाषा का प्रयोग करिए, क्योंकि सहज और सरल शब्दों में भी बहुत ही शक्ति होती है, उनमें संभावनाएं होती है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि क्रोचे की मान्यताओं को सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। मतलब क्रोचे ने जो बातें कही हैं निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी बातें भी उन्होंने कही हैं, इसलिए सौंदर्य शास्त्र में इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है अभिव्यंजना सिद्धांत का। अब यह बोला जाता है कि अभिव्यंजना सिद्धांत तथा वक्रोक्ति सिद्धांत की हम तुलना करते हैं। अब हम अभिव्यंजना सिद्धांत और कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत, इन दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, इनका अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अध्ययन के क्रम में अभिव्यंजना सिद्धांत को कई बिंदुओं पर कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट पाया। मतलब जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय साहित्य शास्त्र और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र, इन दोनों की तुलना कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है और अभिव्यंजना सिद्धांत है उनमें कुछ समानता है, और उन्होंने इतना साम्य पाया, उनकी दृष्टि में इनका साम्य इतना प्रबल था कि उन्होंने अभिव्यंजना सिद्धांत को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान भी कह दिया। तो यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि किस आलोचक ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कह दिया, या किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मतलब यह इंग्लिश वर्सन है या वेस्टर्न वर्सन है, इनका कहना है कि जो अभिव्यंजनावाद है वह भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का वेस्टर्न एडिशन है, पाश्चात्य संस्करण है, पाश्चात्य है ना, विलायती उत्थान है। तो परिवर्तीय अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई कि दोनों में साम्य के कुछ बिंदु हैं, कुछ अवश्य हैं, किंतु मूलतः यह सतही स्तर का साम्य है, आंतरिक या अवधारणात्मक स्तर का नहीं। तो जब लोगों ने इस बात पर विचार किया तो उन्होंने पाया कि थोड़ा बहुत साम्य तो है लेकिन बहुत ज्यादा साम्य नहीं है, थोड़ा बहुत आंतरिक समानता है, मतलब बहुत ज्यादा समानता नहीं है, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जैसे कि एक्सप्रेशन का हिंदी या संस्कृत में प्रतिशब्द, मतलब एक्सप्रेशन के लिए हिंदी या संस्कृत में क्या शब्द आता है, अभिव्यंजना, किंतु हम जानते हैं कि इस शब्द का सामान्य अर्थ मानसिक स्तर पर बनी संकल्पना या अवधारणा की बाह्य जगत में अभिव्यक्ति है, यह बिल्कुल भी अलग है। अभिव्यंजना का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है कि हमारे दिमाग में कोई इमेज या कोई बिंब बना और उसको हमने मूर्त रूप दे दिया, मूर्त रूप में उसको अभिव्यक्त कर दिया। मतलब मानसिक स्तर पर जो कॉन्सेप्ट है, मानसिक स्तर पर जो बिंब या इमेज है, उसको हम जब हम मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं तब वह अभिव्यक्ति बन जाती है, यह अभिव्यंजना है। लेकिन क्रोचे के अनुसार नहीं, यह डिक्शनरी मीनिंग है। कुंतक की वक्रोक्ति भी बाह्य जगत में सिद्ध होती है, मतलब किंतु क्रोचे अभिव्यंजना को मानसिक स्तर पर भी सिद्ध मान लेते हैं। कुंतक की जो वक्रोक्तिवाद है वह क्या है, वक्रोक्ति सिद्धांत, वह मूर्त रूप है। मतलब वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर कोई कलाकृति मूर्त रूप में जन्म लेती है, मूर्त रूप में बन जाती है, परिलक्षित होती है, जो हमको दिखाई देती है। लेकिन क्रोचे के अभिव्यंजनावाद क्या है, मानसिक स्तर पर होती है, भौतिक स्तर पर नहीं होती, मानसिक स्तर पर। यह दोनों डिफरेंस है। कुंतक का जो वक्रोक्तिवाद है वह मूर्त रूप लेता है, और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है यह अमूर्त रूप में है, कलाकृति का रूप नहीं लेता है, मानसिक स्तर पर होता है। आइए अब इस विषय पर कुछ विस्तार से विचार करते हुए हम पहले इन दोनों सिद्धांतों के साम्य तथा वैषम्य पर नजर डालें। अब हम देखते हैं कि कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत और क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में क्या समानता है। समानताएं, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपने अपने तरीके से ये दोनों ही दृष्टियां कलावादी हैं, कला से संबंधित हैं, अर्थात साहित्य को ये साहित्य शास्त्र सौंदर्य शास्त्र की कसौटी पर ही जांचने पर बल देती हैं, साहित्येतर कसौटियों पर नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि कला की जो आलोचना है या समीक्षा है उसकी कसौटी क्या होनी चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए आलोचना का,
साहित्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र के आधार पर हमको किसी कला का मूल्यांकन करना चाहिए, साहित्येतर कसौटियों के ऊपर नहीं। साहित्येतर कसौटियां मतलब मार्क्सवाद हो गया या फिर मनोविश्लेषणवाद हो गया, इन सब चीजों के आधार पर हम किसी साहित्य या कलाकृति की हमको आलोचना नहीं करनी चाहिए। किसी भी कलाकृति की समीक्षा, किसी भी रचना की समीक्षा या आलोचना साहित्य शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, सौंदर्य शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, उसके आधार पर हमको करना चाहिए, उन मापदंडों के आधार पर करना चाहिए। दूसरा, दोनों ही दृष्टियों में कल्पना को प्रधानता दी गई है, चाहे दोनों के जो सिद्धांत है, दोनों की अवधारणा है, कल्पना को महत्व दिया गया है। कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं, उसके लिए कल्पना की आवश्यकता पर बल देते हैं। मतलब वक्रोक्ति को कहते हैं कि वक्रोक्ति के काव्य की आत्मा है और उसके लिए कल्पना अत्यंत जरूरी है। क्रोचे भी संवेदनों मतलब सेंसेशंस की सहजानुभूति अभिव्यंजना में बदलने के लिए, संवेदनों के सहजानुभूति अभिव्यंजना में बदलने के लिए कल्पना की भूमिका आवश्यक मानते हैं। क्रोचे का कहना भी है कि संवेदन है जो सेंसेशंस होते हैं, इनको यदि सहजानुभूति अभिव्यंजना में बदलना है तो इसके लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों कल्पना का महत्व दे रहे हैं। तीसरा, क्रोचे तथा कुंतक दोनों ही वक्रोक्ति अथवा अभिव्यंजना को एक समग्र संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं और उसके वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। क्रोचे का वक्रोक्ति सिद्धांत भी यह कहता है, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत और कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत, दोनों का यह मानना है किसी भी रचना को, किसी भी कलाकृति को उसके संपूर्णता और समग्रता में देखा जाना चाहिए, उसका विश्लेषण करने के लिए उसे छोटे 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 हिस्सों में बांटकर उसका विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए, उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए। समानता के तीन समानताएं मैंने बता दिया, समानता के इन बिंदुओं को गौर से देखें तो आपको इनमें कई स्थानों पर वैषम्य नजर आएगा। वैषम्य मतलब असमानता, उससे अलग। वैषम्य असमानता क्या है? क्रोचे कला को अपने आप में संपूर्ण तथा स्वयं अपना लक्ष्य मानते थे, उसके सामाजिक संदर्भ तथा सरोकार को वे पूरी तरह से नकारते थे। इसके विपरीत कुंतक के लिए कला साध्य नहीं, साधन थी। क्रोचे का कहना क्या था? क्रोचे का यह मानना था कि कलाकृति या किसी रचना या कविता का समाज से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह मानसिक रूप पर जन्म मानसिक स्तर पर जन्म लेती है, वहीं पर पूर्ण होती है। उसका समाज से कोई लेने देना नहीं है, सामाजिक कोई संदर्भ नहीं है, सामाजिक कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन कुंतक का कहना क्या था कि कला केवल मनोरंजक परत नहीं होनी चाहिए, कला का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कला में कोई नैतिक उपदेश या समाज के लिए कला उपयोगी होनी चाहिए। मतलब कला सिर्फ साध्य नहीं होनी चाहिए, साधन भी होनी चाहिए, जो समाज के लिए उपयोगी हो, वह समाज से जुड़ी हुई होती है और समाज से उसका पूरा सरोकार होता है। दूसरा, क्रोचे कला को बाह्य जगत के प्रयोजनों से मुक्त मानते थे, किंतु कुंतक कला को सब प्रयोजन मानते हुए समाज में नैतिकता के उन्नयन को उसका लक्ष्य मानते हैं। उनके लिए कला नैतिकता और उपयोगिता से जुड़ी है। इस प्रकार कलावादी होते हुए कुंतक और क्रोचे की कला दृष्टि तत्वता भिन्न है, क्योंकि क्रोचे के अनुसार कला मानसिक होती है, मानसिक स्तर पर जन्म लेती है, पूर्ण होती है, इसलिए उसका जगत से कोई सरोकार नहीं होता, दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, इसलिए संसार के प्रति कोई उद्देश्य नहीं होता, उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन कुंतक के अनुसार क्या होता है? कुंतक के अनुसार कला का एक उद्देश्य होना चाहिए, समाज के लिए वह, समाज को वह नैतिक संदेश दे, वह कला समाज के लिए उपयोगी हो। तो इस तरह इनकी दोनों की जो अवधारणा है कुछ अलग है। इसके बाद हम देखते हैं कला तथा आनंद के संबंध को दोनों ही स्वीकार करते हैं। मतलब कला आनंद का स्रोत होना चाहिए, कला में कला के साथ हमको उससे आनंद भी प्राप्त होना चाहिए, किंतु इस संबंध का स्वरूप दोनों की दृष्टि में भिन्न है। क्रोचे के अनुसार आनंद कला का अनिवार्य सहचर है, अर्थात जहां कला होती है वहां उसके साथ आनंद भी अनिवार्य रूप से होता है। दूसरी ओर कुंतक आनंद को कला का प्रयोजन मानते थे, अर्थात वह कला के साथ निर्विकल्प रूप से नहीं आता, कला को उस तक पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मतलब क्रोचे का यह मानना था कि जहां भी कला है वहां आनंद है, मतलब कला के साथ आनंद उत्पन्न होगा ही, कला के साथ आनंद अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई भी कला है हमको आनंद प्रदान करेगी ही स्वाभाविक रूप से, मतलब जहां भी कला है वहां आनंद है, दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक का कहना है कि हर कलाकृति हमको आनंद प्रदान नहीं करेगी। आनंद यदि हम चाहते हैं कि कोई कलाकृति हमको आनंद प्रदान करे, तो उसके लिए कवि या लेखक या कलाकार को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। जैसे आप नाटक देखते हैं, अब जैसे कोई फिल्म बना रहा है कोई फिल्मकार, है ना, जैसे कोई फिल्मकार फिल्म बना रहा है, अब उसमें कॉमेडी डालना है तो उसको कॉमेडी को अलग से डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको देखकर बहुत खुशी और आनंद महसूस करेंगे, अच्छे अच्छे लोकेशन में जाकर वह फिल्मों को शूट करेगा तभी तो हमको आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं कि किसी भी फिल्म को देखकर हमको आनंद प्राप्त होगा,
कोई फिल्म बहुत ही दुखी कर देते हैं हमको, सैडनेस फील होता है। तो जरूरी नहीं कि जहां भी कला है वहां आनंद है, मतलब कला में आनंद उत्पन्न करने के लिए कलाकार को या फिर निदेशक को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। चौथा, कुंतक कला को स्वोद्देश्य मानते थे। कुंतक का कहना है कि कला का उद्देश्य होता है, उद्देश्य परक ढंग से कला का निर्माण होता है, जबकि क्रोचे का मत था कि उद्देश्य को दृष्टि में रखकर चलने से कला में रचना में सहायता नहीं रह जाती। इसके अतिरिक्त उद्देश्य भूमिक होने से कला पर कला से अतिरिक्त मूल्य हावी होने लगते हैं। कुंतक का यह मानना है कि किसी भी कला का निर्माण एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर होता है। कोई भी कलाकार जब किसी कलाकृति का निर्माण करता है, कोई कविता लिखता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई चित्र बनाता है, तो एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाता है। लेकिन क्रोचे का कहना क्या है, क्रोचे का कहना यह था कि यदि कलाकार उद्देश्य को ध्यान में रखकर कुछ काम करता है, कुछ रचना का निर्माण करता है, कलाकृति का निर्माण करता है, तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, वह बंधनों में बन जाता है और उस पर समाज के अन्य मूल्य हावी होने लगते हैं, जैसे नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। जब रचनाकार पर यह मूल्य हावी हो जाते हैं तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह एक बंधन में बन जाता है, वह सहज नहीं रह जाता। पांचवा, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना या कला मानसिक स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति अतिरिक्त और अनावश्यक क्रिया होती है। मतलब क्रोचे का कहना है कि कोई भी रचना मानसिक स्तर पर भी पूर्ण हो जाती है तो उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए उसका मूर्त रूप प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और यदि हम ऐसा करते भी हैं तो वह अनावश्यक है, अतिरिक्त कार्य है। कुंतक के लिए अभिव्यंजना का अर्थ ही अभिव्यक्ति अर्थात मानसिक स्तर पर रची हुई उक्ति का बाह्य रूप में प्रकटीकरण है। लेकिन जो कुंतक है उनका मानना अलग है। कुंतक का कहना है कि कोई भी अभिव्यंजना जब तक अभिव्यक्ति का रूप ना ले ले, अर्थात मानसिक स्तर पर, जैसे हमने किसी कविता को लिखा तो जब तक हम उसको कविता को लिख नहीं लेते, उसको मूर्त रूप प्रदान नहीं कर देते, तब तक वह व्यर्थ है। मतलब कुंतक के अनुसार अभिव्यंजना का अर्थ यह है कि उस अभिव्यंजना को अभिव्यक्त किया जाए, उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाए। जैसे हमारे दिमाग में कोई इमेज बना हुआ है, कोई चित्र बना हुआ है, कोई इमेज, कोई बिंब बना हुआ है, जब तक वह मूर्ति का रूप धारण न कर ले, जब तक वह चित्र का रूप धारण न कर ले, जब तक वह कविता के रूप में अपने आप को परिणत न कर ले, परिवर्तित न कर ले, तब तक वह सही अर्थों में उसकी अभिव्यंजना साकार नहीं होती, सार्थक नहीं होती। मतलब अभिव्यंजना के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है, मूर्त रूप होना आवश्यक है। तो क्रोचे से अलग दृष्टिकोण है इनका। अब हम देखते हैं कि क्रोचे के लिए कला सहज है, इसलिए वे इसे सहजानुभूति कहते हैं। मतलब सहज रूप से कला का जन्म होता है, इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे सोच विचार कर रचाया गढ़ा जाए तो वह तर्क बुद्धि का क्षेत्र हुआ, कला का नहीं। मतलब कला के लिए तर्क और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कला सहज रूप से जन्म लेती है। और यदि उसे सोच समझ कर कोई कला का निर्माण हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह तर्क और बुद्धि का क्षेत्र हो जाता है, कला का क्षेत्र नहीं रह जाता। इसके विपरीत कुंतक ने कला को आयास साध्य माना था। उक्ति में विदग्धता, विचित्रता तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए रचनाकार को चेष्टा करनी होती है। क्रोचे के अनुसार कला सहज रूप से जन्म लेती है, लेकिन कुंतक के अनुसार कला सहज रूप से जन्म नहीं लेती, उसके लिए कलाकार को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कोई कवि कविता लिख रहा है तो उसमें अच्छी अच्छी उक्ति डालने के लिए, अच्छी अच्छी बातें डालने के लिए, चमत्कारपूर्ण चीजों को डालने के लिए, उसमें विचित्रता उत्पन्न करने के लिए कलाकार को, रचनाकार को, कवि को चेष्टा करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है। दोनों की विचारधारा में ये अंतर है। इसके बाद रचनाकार उक्ति वैचित्र तथा वाक् विदग्धता के खातिर जो प्रयास करता है वह सफल भी हो सकता है, असफल भी। मतलब यदि कोई रचनाकार अपनी कविता में अच्छे अच्छे शब्दों को डालना चाहता है, अच्छे अच्छे विचित्रतापूर्ण चीजों को डालना चाहता है, है ना, तो उसमें वह सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। वाक् विदग्धता मतलब ऐसी बातों को डालना जो आश्चर्यचकित करते हैं हमको, उल्टी उल्टा पुल्टा ऐसी चीजों को डाले कि हमको आश्चर्य, अरे ऐसा कैसे लिख दिया। किंतु जैसे वट एक तो किसी फिल्मों में एक डायलॉग था कि वह ट्रेन से गुजरती है, मैं पुल से थरथराता हूं। आपने किसी मूवी में देखा होगा या सुना होगा, वह ट्रेन से गुजरती है, मैं पुल से थरथराता हूं। अब ये देखिए, अब जब ऐसी चीजों को जब उसको लिखना है तो क्या होगा। मैं अधिकांश एग्जांपल आपने देखा होगा कि फिल्मों से भी लेता हूं, ताकि आप लोग फिल्मों के शौकीन प्राय सभी छात्र होते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो बहुत आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो अब इसमें उसने लिखा हमको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो चीजें हमको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। तो रचनाकार उसमें सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है।
किंतु क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना कभी असफल नहीं होती। क्रोचे क्योंकि अभिव्यंजना तो मानसिक स्तर पर होती है, इसलिए वह हमेशा सफल होती है। मानस में बिंब निर्माण के साथ ही कला पूर्ण तथा सफल हो जाती है, इसलिए क्रोचे श्रेष्ठता के आधार पर कृतियों का वर्गीकरण विभाजन भी नहीं करते, जबकि कुंतक स्वीकार करते हैं कि विभिन्न कृतियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। तो क्रोचे के अनुसार जितनी भी कलाकृतियां हैं, अब एक तो बहुत सारी कलाकृतियों को मानते ही नहीं कि कलाकृति बहुत सारी वेराइटीज को नहीं मानते, तो इसीलिए वे श्रेष्ठता के आधार पर कलाकृतियों का विभाजन भी नहीं करते। उनका कहना है कि जो भी कला है, मानसिक स्तर पर कला जन्म लेती है, पूर्ण हो जाती है और हर कलाकृति श्रेष्ठ होती है, सफल होती है। जबकि कुंतक का कहना है कि विभिन्न कलाकृतियों की विभिन्न कृतियों के गुणवत्ता में अंतर होता है। कुंतक का यह मानना है कि एक कवि की रचना दूसरे कवि की रचना से, अगर एक ही विषय में दो कवियों ने कोई रचना लिखी है, तो एक कवि की रचना दूसरे कवि की रचना से या तो थोड़ी अच्छी होगी या थोड़ी कमतर होगी, तो यह उनका मानना है। क्रोचे कला में बाहरी अलंकरण, अलंकार का प्रयोग करना, उसको सजाना, उक्ति वैचित्र मतलब पढ़ के हमको बड़ी विचित्रता का आभास हो, उसके बिल्कुल खिलाफ थे। इसके विपरीत कुंतक श्रेष्ठ रचना में चमत्कार, वैचित्र तथा विदग्धता के पक्षधर थे, और इसके लिए उन्होंने अलंकार, वाग वैचित्र मतलब ऐसे विचित्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, अलंकार का प्रयोग करना, शब्द शक्तियों का प्रयोग करना, अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करना, तो इसके लिए कुंतक इसको जरूरी मानते थे। एक अच्छी रचना में ये सारी चीजें, रस, छंद, अलंकार और शब्द शक्तियों का प्रयोग अनिवार्य है। इन आधारों पर हम देख सकते हैं कि कुंतक तथा क्रोचे की जीवन दृष्टि तथा कला दृष्टि पूरी तरह से भिन्न थी, और उनके विवेचन में कहीं कहीं शब्दावली का साम्य होते हुए भी उस शब्दावली से दोनों का अभिहित अर्थ समान नहीं था। इस प्रकार दोनों का दृष्टिकोण, चाहे जीवन के प्रति दृष्टिकोण हो, चाहे कला के प्रति दृष्टिकोण हो, दोनों का दृष्टिकोण बहुत ही अलग था, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से भिन्न था। कहीं कहीं उनकी आलोचना में शब्दावली एक जैसे तो है, लेकिन उन शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है, अर्थ समान नहीं है। दोनों के दृष्टिकोण में साम्य के बिंदु अपेक्षाकृत सतही और कम महत्वपूर्ण है, मतलब और वैषम्य के बिंदु अधिक महत्वपूर्ण तथा मूलगामी है, इसलिए इन दोनों मतों को एक ही कोटि में रखना संगत नहीं होगा। तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि भले ही थोड़ी बहुत समानताएं हैं, क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है और कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, इन दोनों में थोड़ी बहुत समानताएं हैं, लेकिन बहुत कम समानताएं, सतही स्तर पर है, बहुत गहराई से समानता नहीं है, लेकिन इनकी जो असमानता है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए भले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान जरूर कहा है, कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान जरूर कहा है इंग्लिश एडिशन या वेस्टर्न एडिशन, लेकिन इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखना, एक ही कैटेगरी में रखना बिल्कुल भी संगत नहीं होगा। अब हम देखते हैं उपसंहार, निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना अत्यंत आवश्यक होता है, इसमें हमने ऊपर जो भी बातें लिखी हैं उसको यहाँ पर समराइज करते हैं, संक्षेप में बताते हैं उपसंहार। और पुनः आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही और अच्छे लेक्चर से यदि आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर जरूर बताएं कि मेरा यह आज का यह व्याख्यान आपको कैसा लगा, साथ ही आप मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। आइए निष्कर्ष देखते हैं। क्रोचे मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे। दार्शनिक मतलब फिलासफर थे, सौंदर्य शास्त्री मतलब एस्थेटिस्ट थे, जो किसी कृति के या के सौंदर्य का विवेचन करते हैं, सौंदर्य बोध को बाहर लेकर आते हैं। तो क्रोचे क्या है, कोई साहित्य शास्त्री या साहित्यकार नहीं थे, वे दार्शनिक थे, सौंदर्य शास्त्री थे। क्रोचे में हम कलावादी चिंतन मतलब जो सिर्फ कला को महत्व देता है, मतलब कला कला के लिए, कला का निर्माण होता है सिर्फ कला के लिए, कलाकार के लिए, उसका सामाजिक कोई प्रयोजन नहीं होता, इसे हम कहते हैं कलावाद। तो कलावादी चिंतन तथा अमूर्त आत्मपरकता, अमूर्त आत्मपरकता मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता, कला का संबंध सिर्फ आत्मा से होता है, मानसिक स्तर पर कला का जन्म होता है। जैसे प्लेटो में आपने देखा तो वे आइडिया या प्रत्यय या विचार को ही वो मानते थे महत्वपूर्ण, इसको बोलते हैं आत्मपरक अथवा आदर्शवादी दृष्टिकोण। तो क्रोचे में क्या है, हम कलावादी चिंतन तथा अमूर्त आत्मपरकता, आइडियलिस्ट का चरम सीमा पाते हैं, आइडियलिस्टिक अप्रोच है इनका, क्योंकि इसमें कलाकृति की बाह्य जगत में मूर्त अभिव्यक्ति आवश्यक मानी ही नहीं गई है, मतलब अनावश्यक है। तो क्रोचे के अनुसार किसी कलाकृति को मूर्त रूप लेना जरूरी नहीं है, अनावश्यक है,
मतलब कोई कविता को लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति को बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी चित्रकार को चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, बाह्य जगत में मूर्त रूप से उसको अभिव्यक्त करना आवश्यक ही नहीं है। इसको बोलते हैं कलावादी चिंतन, अमूर्त आत्मपरकता बोलते हैं इसको। क्रोचे ने चेतना को ही परम तत्व माना और चेतना के स्तर पर ही कला को भी संपूर्ण मान लिया। जैसे चेतना है जो हमारा कंसाइंस है वही सबसे महत्वपूर्ण है, और हमारे मानसिक स्तर पर ही कला पूर्ण हो जाती है। उन्होंने चेतना की चार मूलभूत क्रियाएं मानी है, जिनमें एक निश्चित वरीयता क्रम है, एक प्रॉपर ऑर्डर है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो चेतना की चार क्रियाएं हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो हम ऊपर देख चुके हैं, सहजानुभूति अभिव्यंजना जो सभी चेतन प्राणियों में होती है, सबसे महत्वपूर्ण जिससे अभिव्यंजना सिद्धांत जुड़ा हुआ है, यह है सहजानुभूति अभिव्यंजना जो सभी चेतन प्राणियों में होती है जिनमें चेतना है। चेतना मतलब सही गलत की पहचान है हमारे अंदर, जैसे हम चेतन प्राणी है मनुष्य, और प्राणी के सभी अनुभव इसी स्तर पर होते हैं, मतलब जो भी हम अनुभव करते हैं वास्तव में इसी स्तर पर करते हैं। कला भी इसी स्तर पर पूर्ण हो जाती है, मतलब जो कला है इसी स्तर पर कंप्लीट भी हो जाती है। इसके बाद वरीयता क्रम में चेतना की अगली तीन क्रियाएं हैं, अवधारणाकरण, सामान्य स्वेच्छा चरित क्रियाएं तथा नैतिक क्रियाएं। इसके बाद क्या है, पहली क्रिया जब खत्म होती है तो तीन क्रियाएं और हैं, अवधारणाकरण कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, सामान्य स्वेच्छा चरित क्रियाएं मतलब हमारे दैनिक जीवन के जो कार्यकलाप हैं, आर्थिक सामाजिक नैतिक गतिविधियां आर्थिक सामाजिक गतिविधियां, और अंत में नैतिक क्रियाएं जो हमारे सामाजिक नैतिक मापदंडों से बंधी होती है, ये हमारे जीवन की जो क्रियाएं। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, वो दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है और अभिव्यंजना ही कला है, मतलब सहजानुभूति और अभिव्यंजना और कला तीनों एक ही चीज है। इन शब्दों का प्रयोग क्रोचे ने सामान्य अर्थ में न करके अपने अलग ही अर्थ में किया है। वास्तव में इन तीनों शब्दों का अर्थ कोशगत अर्थ अलग है, कला अलग चीज है, सहजानुभूति अलग चीज है, अभिव्यंजना अलग चीज है, इनके जो शब्दार्थ हैं वे अलग हैं, लेकिन इन तीनों का प्रयोग इन्होंने सामान्य अर्थ में किया है एक जैसा। अभिव्यंजना को भी इन्होंने बाह्य अभिव्यक्ति वाले सामान्य अर्थ में न लेकर चेतना के स्तर पर सहजानुभूति के ही अर्थ में दिया है। वास्तव में अभिव्यंजना का सामान्य अर्थ होता है मूर्त जगत में उसको अभिव्यक्त करना, लेकिन इन्होंने ये सामान्य अर्थ में नहीं लिया है बाह्य अभिव्यक्ति, इसको क्या इन्होंने चेतना के स्तर पर सहजानुभूति के अर्थ में लिया है। तो अभिव्यंजना इसके इनके अनुसार मानसिक होती है, अभिव्यंजना मानसिक स्तर पर ही इसका निर्माण होता है, लेकिन कोषगत जो अर्थ होता है अभिव्यंजना मूर्त होती है। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना अमूर्त होती है जो मानसिक स्तर पर होती है, इसे सहजानुभूति कहते हैं, चेतना के स्तर पर सहजानुभूति। इस संदर्भ में क्रोचे ने बोध शक्ति को भी बड़ा महत्व दिया है जो संवेदनों को सहजानुभूति में बदलती है। बोध शक्ति मतलब परसेप्शन, किसी चीज का बोध होना, परसेप्शन होना, इसको उन्होंने बहुत महत्व दिया है। और परसेप्शन का काम क्या है, बोध शक्ति का काम क्या है, जो संवेदन है, जो सेंसेशन है, इसको सहजानुभूति में बदलना, इंट्यूशन में बदलना। कल्पना के माध्यम से चेतना में संवेदनों के बिंब बनते हैं। कल्पना क्या होती है, हमारी चेतना को जागृत कर देती है, और चेतना जागृत होती है तो क्या होती है, जो सेंसेशन हमको बाहर से महसूस हुए हैं उसके बिंब बन जाते हैं, इमेज बन जाते हैं। जैसे हमने बाहर कुछ देखा, कुछ महसूस किया, जैसे नायक ने नायिका को देखा तो उसके दिमाग में नायिका का एक बिंब बनता है, एक सौंदर्य उभर कर आता है, और इस बिंब निर्माण के साथ ही सहजानुभूति अभिव्यंजना कला की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो उसको देखा फिर उसकी एक छवि बनती है, उस नायिका की एक छवि बनती है ना, उसको उसको देखकर उसके मन में भी उसकी एक अच्छी छवि बनती है, या जैसी भी छवि बनती है, और छवि बनने के साथ ही यह कंप्लीट हो जाता है, नायिका की इमेज बन गया मन में और कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार क्रोचे ने कला की सृजन प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया है, अमूर्त संवेदन मतलब उन संवेदनों का बोध होना, सृजन प्रक्रिया चार प्रकार की होती है, कला की चार चरण होते हैं किसी कला की सृजन प्रक्रिया की, किसी भी कला के निर्माण की के चार चरण होते हैं, अमूर्त संवेदन उन संवेदनों का बोध, संश्लेषण तथा अन्वयन। है ना, पहला होता है अमूर्त संवेदन, उन संवेदनों का बोध, मतलब अचानक से जैसे हमको ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ तो अमूर्त संवेदन हो गया, सेंसेशन हो गया, फिर संश्लेषण तथा अन्वयन, फिर उसको हम समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में ठंडी हवा कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। कल्पना के माध्यम से मानस में उन संवेदनों के बिंबों का निर्माण, फिर उसका हम बिंब का इमेज का निर्माण होता है, जैसे हम किसी जंगल से गुजर रहे हैं, अचानक हमने पेड़ पौधों को देखा, अनायास ही हमने उनको देखा, उसके बाद हम रुक कर उसकी सुंदरता और खूबसूरती का आनंद लेने लगते हैं,
तो हमारे दिमाग में एक इमेज और एक बीम बनता है कि कितना सुंदर दृश्य है, नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, उस कलाकृति की परिकल्पना करते हैं और बाह्य जगत में रूपंकर उपकरणों के माध्यम से उस कलाकृति का अभिव्यक्त करना। एक स्टेज यह भी हो जाता है, पहला तो संवेदना को महसूस करना है, फिर दिमाग में एक बिंब बनाए उसकी परिकल्पना का निर्माण करना है, और बाद में फिर क्या है, जैसे हमने एक जंगल से गुजरे, जंगल का दृश्य हमने देखा तो उसका दृश्य हमारे दिमाग में अंकित हो गया, और जब हम घर जाकर उस जंगल का चित्र बना देते हैं, है ना, जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है, जो हमारी कूची है, जो हमारा ब्रश है, रंगीन रंग है, उन सब के माध्यम से हम उनको अभिव्यक्त कर देते हैं, यह एक स्टेज हो जाता है इसका। लेकिन ये चौथा स्टेज है, तो आगे मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं, आपको समझ नहीं पाए होंगे। अमूर्त संवेदन मतलब संवेदनों का बोध होना, जंगल से हम गुजरे, अचानक हमने पेड़ पौधों को देखा, इसके बाद कल्पना के माध्यम से उन संवेदनों के बिंबों का निर्माण और कलाकृति की परिकल्पना कर लेते हैं, हमारे दिमाग में उसका इमेज बन जाता है। इसके बाद जो चौथा और अंतिम चरण है, अंतिम चरण में क्या होता है, हम उसको चित्र बनाते हैं, चौथे चरण में हम उसके चित्र का निर्माण करते हैं, और इसको उन्होंने वैकल्पिक माना है। जैसे जंगल से आप गुजरे अनायास, या आपने जंगल के पेड़ पौधों को देखा, पहला स्टेज हो गया उसको महसूस करना, दूसरा हमारी कल्पना शक्ति जागृत हो जाती है, कल्पना के माध्यम से हम सचेत हो जाते हैं, अरे तो बहुत दृश्य, अच्छा दृश्य है, हमको इसको रुककर यहाँ पर देखना चाहिए, दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा फिर आपके दिमाग में उसका इमेज बन जाता है, उस जंगल का जो इमेज है आपके दिमाग में छाप छाप बन जाता है, यह तीसरा स्टेज हो गया, और ये चौथा स्टेज है कि आप उस जंगल का चित्र बनाएंगे कि नहीं। यदि आप अपने जो अपने कैनवास पर उस चित्र को उकेरना चाहते हैं कि नहीं, यह चौथा स्टेज है, यह वैकल्पिक है, यह जरूरी भी नहीं है, आप चाहें तो आप उसको चित्र बनाएं, चाहें तो उसको चित्र ना बनाएं, क्योंकि आपके दिमाग में मानसिक स्तर पर आपका जो जंगल का चित्र है वह मानसिक स्तर पर बन चुका है, मतलब कला तीसरे स्टेज पर आकर पूर्ण हो जाती है, चौथा आप चाहें तो चित्र बनाएं या ना बनाएं। सहजानुभूति और कला को अभिन्न मानते हुए क्रोचे सामान्य अनुभूति और कलानुभूति में भी कोई अंतर नहीं करते, मतलब सहजानुभूति और कला दोनों एक ही चीज है, और सामान्य अनुभूति और कलानुभूति दोनों एक ही चीज है। सामान्य अनुभूति मतलब सामान्य रूप से अनुभव करना, जो आम जनता महसूस करती है जिन चीजों को, और कलानुभूति मतलब कलाकार उसी चीज को अलग ढंग से महसूस करता है, उसको बोलते हैं कलानुभूति। मतलब जंगल से दो लोग गुजरे, एक व्यक्ति साधारण आदमी था, सिर्फ जंगल से गुजर गया, दूसरा व्यक्ति चित्रकार था, तो उसको जो जंगल की अनुभूति होती है वह कलानुभूति होती है। इनका कहना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। वे सहजानुभूति को स्वतः स्फूर्त और निरायास मानते थे, इसलिए कृति की विषय वस्तु का चुनाव भी उनके अनुसार कलाकार के हाथों में नहीं होता। सहजानुभूति मतलब सामान्य रूप से अनुभव करना, तो इसलिए कला का जो निर्माण होता है, मानसिक स्तर पर कला का जो निर्माण होता है, उसके विषय वस्तु का चुनाव करने का उसको अधिकार नहीं होता कलाकार को, वो अनायास ही हो जाता है। इसलिए वे किसी रचना की विषय वस्तु को भी अच्छी या बुरी की श्रेणी रखने में विरुद्ध है। मतलब हम नहीं कह सकते कि किसी कलाकृति की जो या रचना की जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वह अच्छी है या बुरी है, क्योंकि यह तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अब स्वाभाविक रूप से हो रहा है तो उसकी क्या समीक्षा करना कि यह अच्छा है कि बुरा है। उन्होंने अभिव्यंजना की प्रकृति को भी समग्र और संश्लिष्ट माना, खंडों या पक्षों में विभाजित नहीं। मतलब अभिव्यंजना को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके अभिव्यंजना का रसा स्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि यह अखंड है। क्रोचे ने कृति की प्रकृति के अनुरूप अपेक्षाएं समीक्षक से भी की है। समीक्षक को कला की प्रकृति का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कला में आडंबर का विरोध किया और भाषा पर विशेष बल देते हुए उसकी गतिशीलता की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। तो क्रोचे हैं वे केवल रचनाकार से नहीं, कृतिकार से नहीं इन सब चीजों की अपेक्षा करते हैं, बल्कि वे इस बात की अपेक्षा समीक्षक से भी करते हैं कि वह सहज और सरल भाषा का प्रयोग करे, कठिन और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न करे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो भाषा है वह गतिशील है, जीवंत होती है। क्रोचे के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए हमने देखा कि इसकी सबसे अधिक आलोचना इसकी अमूर्तता, अर्थात कला को मानसिक स्तर पर भी पूर्ण मान लेने के कारण हुई है। इसकी अति वैयक्तिकता या समाज निरपेक्षता की भी आलोचना हुई है। मतलब क्रोचे जो थे आत्मवादी दार्शनिक थे, आइडियलिस्ट थे, इसलिए इनके अनुसार कला सिर्फ मस्तिष्क में जन्म लेती है, मस्तिष्क में पूर्ण हो जाती है। इसके कारण यह जो कला है बहुत ज्यादा वैयक्तिक है, कला जो है व्यक्तिगत है, और ये इसका समाज से कोई संबंध नहीं है, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है, कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है, कोई सामाजिक नैतिक उपयोगिता नहीं है इसकी, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद
क्रोचे ने सामान्य प्रचलित शब्दावली का अपने अलग अलग अर्थ देकर प्रयोग किया। इसे भी इनके सिद्धांत को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब क्रोचे ने अपने अभिव्यंजना सिद्धांत में शब्दों को उनके शब्दकोश में जो अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उनसे हटकर अपना अलग अर्थ दे दिया है, तो इसलिए पाठक इसको समझ नहीं पाते कि ये कहना क्या चाहते। मतलब हम जो है शब्दकोश के हिसाब से शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हीं शब्दों को उन्होंने अपना निजी व्यक्तिगत अर्थ दे दिया है, इसलिए भी इनको समझ नहीं पाते हम। किंतु फिर भी इनके सिद्धांत का सौंदर्य शास्त्र में महत्व है, क्योंकि इन्होंने कला पर कला से इतर मूल्यों के दबाव का तथा अनावश्यक अलंकरण का विरोध किया और भाषा की गतिशीलता तथा शक्ति को रेखांकित किया। इनके समय में जो कृतियों की आलोचना की जा रही थी, वे जो कलापरक मूल्य हैं, जो सौंदर्य परक मूल्य हैं, जो साहित्य शास्त्र से संबंधित जो मूल्य हैं, जो मापदंड हैं, उनसे अलग हटकर कृतियों का मूल्यांकन किया जा रहा था। मतलब किसी रचना का मूल्यांकन किया जा रहा था मार्क्सवाद के आधार पर, फ्रायड के मनोविश्लेषण के आधार पर, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने किया कला का मूल्यांकन कला के मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए, साहित्य का मूल्यांकन साहित्य शास्त्र अथवा सौंदर्य शास्त्र के जो मापदंड है उसके आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाषा की गतिशीलता और शक्ति को भी महत्वपूर्ण प्रदान किया, उसे रेखांकित किया कि भाषा बहुत ही शक्तिशाली होती है और भाषा गतिशील होती है, जीवंत होती है, उसमें समय के साथ परिवर्तन भी होता है। इसको एक आलोचक को, एक कवि को, एक रचनाकार को समझना चाहिए। अंत में हमने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद तथा भारतीय आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के साम्य और वैषम्य, मतलब समानता और असमानता पर भी दृष्टिपात किया, ध्यान दिया, उनका आलोचना किया, समालोचना किया, और यह करते हुए देखा कि दोनों सिद्धांतों में ऊपरी स्तर पर कुछ साम्य अवश्य नजर आता है, किंतु दोनों में तात्विक अंतर है, क्योंकि दोनों की जीवन दृष्टि भिन्न है। भले ही हमें क्रोचे के अभिव्यंजनावाद तथा कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत इन दोनों में समानता नजर आती है, लेकिन यह केवल सुपरफिशियल है। मतलब आंशिक रूप से दोनों साम्य है, समानता है, लेकिन वास्तव में दोनों के जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, कला के प्रति जो दृष्टिकोण है, मौलिक रूप से भिन्न है। क्रोचे के विपरीत कुंतक ने साहित्य के सामाजिक सरोकार को महत्व दिया था, क्रोचे के विपरीत कुंतक ने साहित्य के सामाजिक सरोकार को महत्व दिया था और उक्ति के चमत्कार तथा अलंकरण को भी। हम यह भी जानते हैं कि क्रोचे का कहना था कि जो साहित्य है या फिर कला है उसका समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है, वह समाज से निरपेक्ष होता है, कोई कलाकार या कवि को समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके विपरीत कुंतक ने साहित्य के सामाजिक सरोकार को भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिया। साथ ही उन्होंने भाषा में, उन्होंने किया भाषा में अलंकार भी होना चाहिए, शब्द शक्ति भी होनी चाहिए, और उक्ति वैचित्र भी होना चाहिए, वाक् वैदिग्धता भी होना चाहिए, इन सभी चीजों को उन्होंने महत्व दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यदि आज का यह मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा व्याख्यान, तो कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। और पहला भाग देखना ना भूलें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। केवल आप दूसरा भाग देखते हैं तब आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले आप इसका पहला भाग देखें, इसके बाद दूसरा भाग देखें। धन्यवाद। Thank you.